दोस्तों सेकेंड मैरिज करने का क्या नियम होता है और किस तरीके से किसी पर्सन को सेकेंड मैरिज करनी चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि अगर आपको उस नियम की जानकारी नहीं होगी तो ऐसे में अगर आप सेकेंड मैरिज करते हैं तो वो वॉइड मीन शून्य विवाह होगा और उस मैरिज का कानून की नज़र में कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि ऐसा ही एक केस में हुआ जिसमें एक लेडी ने सेकेंड मैरिज तो कर ली लेकिन बाद में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिए हैं तो उसके बारे में भी आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी 24 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों सेकेंड मैरिज करने का क्या नियम होता है उसके बारे में समझने से पहले आप ये समझ लें कि मैरिज करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। दोस्तों वैसे तो अलग अलग नियम बताए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है वो ये है कि हिंदू समाज में जब भी कोई मेल और फीमेल मैरिज कर रहे हों तो उस समय उनके कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। मीन्स शादी के समय में उन्होंने अगर किसी अदर पर्सन से पहले से अगर मैरिज कर रखी है और उस पर्सन से अगर उन्होंने तलाक नहीं लिया है तो फिर वो सेकंड मैरिज कानून की नज़र में मैरिज नहीं मानी जाएगी और उन्हें हस्बैंड वाइफ का जो भी बेनिफिट दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा तो वो भी नहीं दिया जाएगा और कानून की नज़र में उनका हस्बैंड वाइफ का स्टेटस नहीं रहेगा। दोस्तों इसको एग्जाम्पल के साथ में समझिए। अगर आपने किसी पर्सन से शादी की है और फिर कुछ समय तक आप साथ में रहे और फिर अगर आपने बिना तलाक लिए ही किसी अदर पर्सन से अगर शादी कर ली है तो ऐसे में जो अदर पर्सन से आपने सेकेंड टाइम मैरिज की है तो उसका कानून की नज़र में कोई भी महत्व नहीं है और कानून यही मानेगा कि जो आपने सेकेंड मैरिज की है वो बिल्कुल गलत आधारों पर की है और कानून आपको हस्बैंड वाइफ का स्टेटस नहीं देगा सेकेंड मैरिज के आधार पर। और आपको जो फर्स्ट मैरिज आपने जिस पर्सन से की है उसके साथ में कानून आपको हस्बैंड वाइफ का स्टेटस देगा। इसलिए जब भी आप सेकेंड मैरिज करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट मैरिज अगर आपने की है तो उस पर्सन से आपको डाइवोर्स मीन्स तलाक लेना होगा और तलाक भी आपको कोर्ट के माध्यम से लेना होगा। आप केवल किसी डॉक्यूमेंट पर लिख करके तलाक नहीं ले सकते हैं बल्कि आपको कोर्ट में अपने शादी का डिसोल्यूशन करवाने के लिए केस फाइल करना होगा और उसके बाद में जब कोर्ट के द्वारा आपको डिग्री दे दी जाए कि अब आपको तलाक दे दिया गया है और अब आप स्वतंत्र रूप से किसी अदर पर्सन से शादी कर सकते हैं तो ऐसे में ही आप किसी अदर पर्सन से सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों इस केस में एक फीमेल ने मेल से शादी की और वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह कुछ समय तक साथ में भी रहे लेकिन कुछ समय बाद में उस फीमेल ने डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की और कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों को तलाक दे दिया। कोर्ट के द्वारा जब तलाक दे दिया गया तो उसके बाद में उस फीमेल ने किसी अदर पर्सन से सेकेंड मैरिज की और सेकेंड मैरिज के बाद में वो लेडी कुछ समय तक तो अपने सेकेंड हस्बैंड के साथ में अच्छे से रही लेकिन उसके बाद में उसने अपने सेकेंड हस्बैंड के अगेंस्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल किया। जब कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल किया उसने तो सेकेंड हस्बैंड ने कोर्ट में यह कहा कि उसकी वाइफ ने पहले से किसी अदर पर्सन से शादी कर रखी थी और कोर्ट ने उन्हें तलाक भी दे दिया था लेकिन तलाक देने के बाद में उसके फर्स्ट हस्बैंड ने कोर्ट के उस आदेश के अगेंस्ट में अपील फाइल की थी। तो ऐसे में मीन्स वो तलाक का केस कंटिन्यू था और उस दौरान ही इस फीमेल ने मीन्स मेरी वाइफ ने मेरे से शादी की है सेकेंड मैरिज तो वो सही नहीं है तो ये आर्ग्यूमेंट दिया सेकेंड हस्बैंड ने। तो ऐसे में कोर्ट ने उस सेकेंड हस्बैंड की बात को एक्सेप्ट किया और मेंटेनेंस देने से मना कर दिया क्योंकि कोर्ट ने यह कहा कि जो सेकेंड मैरिज की है उस फीमेल ने तो वो मैरिज नहीं है वो शून्य विवाह है क्योंकि उसके फर्स्ट हस्बैंड ने जो तलाक दिया गया था निचली कोर्ट के द्वारा उसे चुनौती दी थी
अपर कोर्ट में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी एक लोअर कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट दिया जाता है तो उस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील फाइल करने के लिए या फिर रिवीजन के लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कोई भी एग्रीव्ड पार्टी मीन्स जिस भी पर्सन को उस कोर्ट के आदेश से अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो उस आदेश के अगेंस्ट में अपर कोर्ट में उसे चुनौती दे सकता है। उसके लिए एक टाइम लिमिट फिक्स की गई है कानून के द्वारा, लेकिन वो टाइम लिमिट निकलने के बाद में अगर वो पर्सन उस आदेश के अगेंस्ट में अपर कोर्ट में अगर कोई भी रिवीजन या फिर अपील फाइल करता है तो ऐसे में उस अपर कोर्ट के पास में यह अधिकार है कि उसकी अपील को खारिज भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों इस केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि जब उस वाइफ को फर्स्ट मैरिज के लिए तलाक दे दिया गया था तो तलाक के बाद में जो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन था उसमें उसके फर्स्ट हस्बैंड ने अपील फाइल नहीं की, बल्कि वो टाइम लिमिट निकलने के बाद में उसके हस्बैंड ने उस तलाक के लिए अपील फाइल की थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फर्स्ट मैरिज के समय में जब कोर्ट के द्वारा तलाक दिया गया था तो तलाक देने के बाद में उसके फर्स्ट हस्बैंड ने जो टाइम लिमिट थी उस टाइम लिमिट में अपील फाइल नहीं की थी, बल्कि टाइम लिमिट निकलने के बाद में अपील फाइल की गई थी। इसलिए उस फीमेल ने जो सेकंड मैरिज की है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे में उसका सेकंड हस्बैंड वॉइड मैरिज के आधार पर मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी तलाक के केस में कोर्ट के द्वारा तलाक दे दिया जाए और जब उस तलाक के अगेंस्ट में अगर अपील फाइल की जाती है अपर कोर्ट में, तो ऐसे में अगर अपर कोर्ट ने उस लोअर कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में अगर स्टे जारी नहीं किया है और ना ही ऐसा आदेश पारित किया है कि कोई भी पार्टी सेकंड मैरिज नहीं करेगी, तो ऐसे में अगर इस प्रकार के आदेश पारित नहीं किए गए और फिर अगर किसी भी एक स्पाउस के द्वारा सेकंड मैरिज की जाती है तो बिल्कुल वैलिड होगी, उसे वॉइड इस आधार पर नहीं दिया जाएगा कि उस पर्सन ने केवल अपील फाइल की थी। इसलिए दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी सेकंड मैरिज करें तो आपने फर्स्ट मैरिज जिस पर्सन से की है उससे आपको पहले तलाक लेना होगा और उसके बाद में ही आप किसी अदर पर्सन से सेकंड मैरिज कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट मैरिज में बिना तलाक लिए ही किसी अदर पर्सन से सेकंड मैरिज करते हैं तो वो वॉइड होगी और कानून की नज़र में वो मैरिज नहीं मानी जाएगी और कानून यही मानेगा कि जो आपने फर्स्ट मैरिज की थी वही आपका हस्बैंड या फिर वाइफ है। तो इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।